दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक बॉल में कितने रन बन सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे कितने रन बन सकते हैं अगर वाइड या नो बॉल है तो। अगर मैं कहूं एकदम राइट बॉल है, तो आप लोग कहेंगे कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 6 रन बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। सन 1994 में ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की टीम विक्टोरिया के बीच में मैच हो रहा था, और विक्टोरिया के प्लेयर ने पहली बॉल में शॉट मारा था, और तब ग्राउंड इतने डेवलप नहीं होते थे, तो ग्राउंड के बीच में ही मैदान में एक पेड़ था, उसमें वो बॉल अटक गई थी और वो बॉल अटकी रही और रन लेने की कोई लिमिट नहीं थी, तो विक्टोरिया के प्लेयर्स ने 286 रन दौड़ दौड़ के ही ले लिए थे। और 286 रन लेने के बाद वो जब तक बॉल नीचे आई, जब तक वो लोग 286 रन ले लिए, अपनी पारी डिक्लेयर कर दिए। एक बॉल में 286 रन बने थे दोस्तों 1994 में। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं और आने वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको आने वाले वीडियोस की लिंक भी मिलती रहेगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को लगता हो कि सारे टेस्ट बड्स हमारे टंग में होते हैं, और स्वीट्स और बिटर यानी मीठा, खट्टा और कड़ू स्वाद हमें सिर्फ अपने टंग की वजह से आता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। सलाइवा, हमारे जो सलाइवा यानी थूक होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हर चीज़ का स्वाद लेने में, टेस्ट लेने में। अगर हमारे मुँह में सलाइवा यानी थूक ना हो, तो हम किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का हमें स्वाद महसूस नहीं होगा। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कोरोना के इस माहौल में चारों नेगेटिविटी फैली हुई है और सभी लोग नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं। ऐसे मैं आपको एक एकदम साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप लोग नकारात्मक रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी घटेगी, लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और खुश रहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और कोरोना के इस माहौल में इम्यूनिटी का महत्व तो आप लोग भी जानते हैं। इसलिए मैं आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोगों के बीच में, ताकि ये पॉजिटिव लहर फैले। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपके शरीर में कहीं भी कोई सर्जरी होती है या कोई भी ऑपरेशन होता है, तो आपको एनेस्थीसिया देके या तो आपको एनेस्थीसिया देके या तो क्लोरोफॉर्म देकर आपको बेहोश कर दिया जाता है, ताकि आपको पेन ना महसूस हो, आप सर्जरी ना देख पाए। लेकिन अगर आप, पता है दोस्तों, आपके ब्रेन में अगर कोई भी सर्जरी होती है, तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में पेन रिसेप्टर नहीं होते, यानी नर्वस सिस्टम सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देता है। लेकिन अगर ब्रेन में सर्जरी होती है, तो वो किसको इन्फॉर्मेशन देगा पेन होने की। इसलिए आपके ब्रेन में कोई भी सर्जरी होती है, तो आपको पेन नहीं महसूस होगा। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। कोरोना की वैक्सीन के बाद अब कोरोना की दवाई भी आ गई है, जो DRDO द्वारा निर्मित है, और ये अनिल मिश्रा और उनकी टीम ने बनाया। अनिल मिश्रा बलिया उत्तर प्रदेश के हैं। ये 2DG इसका फुल फॉर्म है, डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये परमिटेड बाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसको द्वारा परमिटेड है। और ये सिर्फ पाउडर के रूप में होगी, टैबलेट्स के रूप में नहीं होगी, ये पाउडर के रूप में होगी, और पानी में मिला के दी जाएगी, सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को दी जाएगी। और ये मेंटेन करता है ऑक्सीजन लेवल, जो कोशिकाएं इन्फेक्टेड है उनको रिकवर करता है, और फास्ट रिकवरी देता है आपके शरीर को, आप कोरोना से संक्रमित लोगों को। और ये प्रोडक्शन इसका हाई लेवल में किया जा सकता है, और इसके दो लैब्स हैं, वो इसका प्रोडक्शन करेंगे, DRDO की लैब, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस, इसके साथ डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरीज, ये दोनों इसका प्रोडक्शन करेंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि न्यू बॉर्न बेबीज यानी नवजात बच्चे सिर्फ वाइट या ब्लैक कलर देख सकते हैं, वो हम लोग जिसे सारे कलर नहीं देख सकते, यानी वो अपने जीवन के शुरुआती कुछ महीनों में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख सकते हैं। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को भी देख सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया का सबसे बहादुर जानवर कौन है, तो आप लोगों के दिमाग में शेर, चीता, हाथी ये सब आएंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि ये नहीं है दुनिया का सबसे बहादुर जानवर, दुनिया का सबसे बहादुर जानवर दोस्तों है हनी बेजर। ये दोस्तों 9 से 16 किलो का होता है और 23 से 28 सेंटीमीटर का होता है। ये मांसाहारी होता है, और ये दोस्तों जब तक लड़ता है, जब तक ये अपने प्रतिद्वंदी को मार ना दे या तो मर ना जाए। ये भले ही छोटा है, लेकिन ये जब तक लड़ता है, जब तक मार या मर ना जाए, ये बहुत ही ब्रेव है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से भी ये सबसे ब्रेवेस्ट एनिमल है। आपको ये फैक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी थाई में होती है, वो फेमर है, आप सब लोग ये जानते हैं। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि वो हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होते हुए भी वो दोस्तों खोखली है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल GK नगरी में जाके। धन्यवाद।